कांट टॉक टू यू. I don't hope Good evening, everyone. Sorry for the delays because of some logistics with the internet connectivity. Mera naam hai Dr. Gaurav Luthra and main Drishti Eye Institute mein head of cataract and refractive surgery hoon. Aur aaj hum log discuss karne ja rahe hain about
कैटरैक्ट मतलब सफेद मोतिया, और उसका कैसे हम इलाज कर सकते हैं या हम कैसे उसको ट्रीट करते हैं। तो मैं आपको थोड़ी इसके बारे में जानकारी दूंगा और हम आपसे क्वेश्चंस भी लेंगे फेसबुक पे। अगर आप जैसे हमें लाइव देख रहे हैं, नीचे कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस या सवाल डालना चाहें इसके बारे में, कोई भी आपकी कोई क्वेरीज हैं आप उसमें हमें नीचे कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं, तो उससे हमारे को पता चल जाएगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। और पहले मैं थोड़ा सा एक लेक्चर दूंगा और मेरे साथ रहेंगी डॉक्टर अंशिका, जो कि हमें कुछ चीजें वो भी बताएंगी और कुछ क्वेश्चंस आपके आंसर करेंगी। सो आई वांटेड टू स्टार्ट, आई विल स्पीक इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी ताकि सबको समझ में आ सके कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताऊं कि मोतियाबिंद होता क्या है, है ना। तो मोतियाबिंद जो है, कैटरैक्ट जो है, वो एक डिजीज है जिसमें कि इसको इनफैक्ट हम बीमारी तो कहेंगे ही नहीं, मोतियाबिंद कोई बीमारी नहीं है। मोतियाबिंद जो है दैट इज बेसिकली कैटरैक्ट का है। और कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब सफेद होता है और काला मोतिया क्या होता है। तो अब जो सफेद मोतिया है जिसको कैटरैक्ट कहते हैं इंग्लिश में, वो तो एक एजिंग चेंज है, मतलब बड़े होने का चेंज है। और होने को तो वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, मतलब बचपन में भी हो सकता है, यंग एज में भी हो सकता है और बड़ी उम्र में भी होता है, बट आम तौर पे बड़ी एज ग्रुप में होता है, मतलब एल्डरली एज ग्रुप में होता है, जो लोग 50-60 या उसके ऊपर भी निकल जाते हैं, और आजकल तो कई बार 70 या 80 एज ग्रुप में आता है। लेकिन होने को मोतियाबिंद या कैटरैक्ट कैन ऑल्सो हैपन इन अ स्मॉल चाइल्ड, इवन न्यू बॉर्न चिल्ड्रन में कई बार हमें कैटरैक्ट का ऑपरेशन करना पड़ता है। और दूसरा होता है काला मोतिया, जिसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, डॉक्टर अमरदीप कौर ने पिछले हफ्ते उसके ऊपर पूरा लेक्चर दिया था, और अगर आप चाहें तो उसको आप पीछे हमारे फेसबुक वीडियोस में जाके देख भी सकते हैं कि काला मोतिया क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में ग्लॉकोमा कहते हैं। तो सफेद मोतिया जो है वो तो केवल एक एजिंग चेंज है, मतलब बड़े होने का चेंज है, और ग्लॉकोमा जो है वो बीमारी है जिसमें कि नजर कमजोर, दोनों में नजर कमजोर होने लग जाती है। लेकिन मोतियाबिंद जो है उसमें तो कुदरती हमारा आंख के अंदर एक भगवान का बनाया हुआ छोटा सा लेंस है, जो कि केवल 12 या 14 मिलीमीटर का होता है, और वो लेंस जैसे चश्मे का लेंस है ऐसे ही एक वो अंदर आंख के अंदर का एक लेंस होता है। और वो लेंस उम्र के साथ जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो वो लेंस धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है, मतलब पहले तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके थ्रू लाइट पूरी पास हो जाती है और वो लाइट को फोकस करता है हमारे आंख के पर्दे पे जिससे हम देख पाते हैं। लेकिन टाइम के साथ क्या होता है, वो लेंस धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है और उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। जैसे आप सोचिए आपका चश्मे का शीशा है और जब आप नया बनवाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट होता है शीशे की तरह, और धीरे धीरे उसमें से लाइट पूरी पास होती है। अब आप वही 2-3 साल पुराना हो जाता है तो वो धीरे धीरे उस पर स्क्रैचेस पड़ के और उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। और अगर बहुत ही पुराना हो जाए, 10 साल पुराना चश्मा हो जाए, तो कई बार वो बिल्कुल ही खराब हो जाता है जिसके थ्रू दिखेगा ही नहीं। तो उसी तरह से मोतियाबिंद में जब हम एक पर्टिकुलर एज, कोई फिक्स्ड एज नहीं है, कुछ लोगों को 50 में आता है, कुछ लोगों को 60 साल में आता है, कुछ लोगों को 70 में आता है, और कुछ लोगों को 30 या 40 इयर्स की एज में भी आ सकता है। तो सफेद मोतिया हम कहते हैं आंख के लेंस का धुंधला पड़ जाना, जिससे कि हमारी नजर कमजोर हो जाती है, मतलब हमारी आई साइट थोड़ी सी वीक हो जाती है और हमें हर चीज जो है वो थोड़ी सी धुंधली दिखने लगती है। और मोतियाबिंद के कारण जो हैं वो कई सारे हैं, सबसे कॉमन तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, वो है एजिंग चेंज, मतलब एज के साथ जो मोतियाबिंद आता है। लेकिन दूसरे जो कारण है, पीडियाट्रिक कैटरेक्ट होता है बचपन में, जिसमें कि पैदा होते ही उनको मोतियाबिंद हो जाता है। आमतौर पर ये कुछ ऐसी बीमारियों के साथ होता है जो कि बचपन में बिफोर बर्थ मदर को हो सकती है, जैसे रूबेला है ना, कुछ मैल न्यूट्रिशन से भी हो सकता है, और इसी तरह से कई और कॉजेज होते हैं। अच्छा, इससे फिर बड़े लोगों में मोतियाबिंद इसलिए आ सकता है, सबसे कॉमन कॉज है शुगर होना, जिनका कैटरैक्ट डेवलप कर जाता है तो शुगर के पेशेंट्स में मोतियाबिंद आता है। आंख में चोट लगने से मोतियाबिंद या कैटरैक्ट जल्दी आ सकता है, कई बार आंख में मुक्का लग जाए तो उसके कुछ टाइम बाद मोतियाबिंद बन जाता है, कोई चीज चुभ जाए आंख के अंदर वो मोतियाबिंद एकदम से एक दिन में बना देती है ना। और इसी तरह से कई बार कैटरैक्ट जो है वो हाई मायोपिया या हाई नंबर, चश्मे का नंबर बहुत हाई होता है, उन लोगों को थोड़ा जल्दी आ जाता है। ऐसे ही और भी कई सारे कारण हैं जिनका हमें ध्यान, और एक बहुत कॉमन कारण होता है बहुत लंबे टाइम तक स्टीरॉइड्स लेना, मतलब जैसे हम लोग दमे के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, आर्थराइटिस के लिए और भी कई बीमारियों में ओरल स्टीरॉइड्स देते हैं या सिस्टमिक स्टीरॉइड्स देते हैं। तो उसमें क्या होता है, प्रेडनिसोलोन या वाइसोलोन की टैबलेट्स होती हैं, डेकाड्रॉन वगैरह, ये अगर लंबे टाइम तक ये लेते रहें और अनकंट्रोल, मतलब बहुत लंबा टाइम चलते रहें, तो किसी किसी को उसकी वजह से भी मोतियाबिंद बन सकता है। और उससे भी वही लक्षण होते हैं कि नजर थोड़ी धुंधली हो जाती है, ऐसे लगता है कि हम धुंध के थ्रू देख रहे हैं।
तो इस बीच मैं अब चाहूंगा कि मैं डॉक्टर अंशिका से पूछूं कि वो बताएंगी कि व्हाट इज कैटरेक्ट, वो कैसे मोतियाबिंद हमारी नजर को धुंधला करते हैं और क्या लक्षण होते हैं धुंधलापन के मोतियाबिंद के, कि कैसे मरीज को कैसे पता चलेगा कि उसको कैसे डाउट करना चाहिए कि उसको मोतियाबिंद है। तो मैं चाहूंगा कि हम डॉक्टर अंशिका पे मूव कर दें स्क्रीन और मैं आईटी टीम से कहूंगा कि वो अब हमारे को दूसरी स्क्रीन पे ले जाएं। डॉक्टर अंशिका हाँ जी, हम आज कैटरेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो कैटरेक्ट के बारे में हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। कैटरेक्ट जो होता है, हमारी आँख की लेंस में एक चेंज होता है जिसमें हमारी लेंस की क्लाउडिंग हो जाती है, यानी कि लेंस की सफ़ेदी बन जाती है। ठीक है, अब ये चेंजेस नॉर्मली हर इंसान में उम्र के साथ आने लगते हैं। 45 to 50 years ऑफ एज के बाद ये देखे जाते हैं हर इंसान में। कैटरैक्ट जो होता है, हमारा एक फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, और फॉर पीपल हु हैव कैटरैक्ट, सीइंग थ्रू क्लाउडी लेंसेज इज अ बिट लाइक लुकिंग थ्रू अ फ्रॉस्टी ग्लास और अ फॉग्ड अप विंडो। ज़्यादातर कैटरैक्ट जो है बहुत स्लोली डेवलप करते हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा धुंधलापन दिखाई देगा, आपको लाइट फटी फटी दिखाई देगी, कलर्ड हेलोस कहा जाता है इसे, ये दिखाई देते हैं स्टार्टिंग में। धीरे धीरे कर कर इससे परेशानी बढ़ती जाती है और आंखों में सफेदी आती जाती है। सो एट फर्स्ट वी कैन यूज आई ग्लासेस और वी कैन यूज स्ट्रॉन्गर लाइटिंग एंड दीज कैन हेल्प अस डील विद कैटरैक्ट्स। पर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, ये आपके विजन के साथ इंटरफियर करता है एंड इवेंचुअली आपको कैटरैक्ट सर्जरी की जरूरत पड़ती है। फॉर्चुनेटली कैटरैक्ट सर्जरी एक सेफ और इफेक्टिव प्रोसीजर है। अब हम कैटरैक्ट को कुछ और इनके चेंजेस के साथ कैटरैक्ट को हमें आर्कस सेनेलस से डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। आर्कस सेनेलस होता है हमारी आंखों में, जो हमारी कांच की पुतली होती है उसके आसपास एक सफेद राख सी बन जाती है और वो होता है। और कैटरैक्ट जो होता है, हमारी आंख की लेंस में चेंज देखा जाता है। अब मैं डॉक्टर गौरव को हाँ जी, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? ओके, सो थैंक यू डॉक्टर अंशिका फॉर शेयरिंग दैट इंफॉर्मेशन। सो यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मोतियाबिंद होता क्या है ना, और उसके लक्षण भी अब समझ में आ गए होंगे कि उसमें धुंधलापन दिखने लगता है, कई लोगों को डबल दिखने लगता है, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपने रिश्तेदारों को, लोग जो दूर से आ रहे हैं उनको पहचान नहीं सकता हूँ, कुछ लोगों को ड्राइविंग के टाइम दिक्कत होती है, कुछ लोगों को अपना पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है, फिर आप डाउट होता है कि दैट कुछ तो गड़बड़ है और आप जाते हैं डॉक्टर के पास। तो आप डॉक्टर के पास जब पहुंचते हैं तो आप बताते हैं कि मुझे ये दिक्कत हो रही है। कई लोगों को तो पता चल जाता है कि उनको कुछ धुंधला दिख रहा है और वो पहले ऑप्टिशियन के पास पहुंचते हैं और ऑप्टिशियन कहते हैं कि भाई चश्मा तो लग नहीं पा रहा है आपको, तो आप डॉक्टर को दिखाइए। और कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि उनको मोतियाबिंद है और वो वैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे दिक्कत हो रही है और मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, मुझे कई चीजों में दिक्कत आ रही है। और कई लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं आ रही होती है और वो फिर भी हमारे पास रूटीन चेकिंग में साल में एक बार जब आते हैं तो उनको हम चेक करके बता देते हैं कि आपको मोतियाबिंद शुरू हो गया। उनको तब तक लक्षण महसूस नहीं हो रहे होते, उनका काम चल रहा होता है, क्योंकि नजर कम होने के बावजूद कई लोग अपना काम मैनेज कर लेते हैं। तो ऐसे में हम लोग नॉर्मली ऐसा करते हैं कि जब हम चेकिंग करते हैं तो हम उनकी विजन चेक करते हैं, आई साइट चेक करते हैं कि कितनी लाइन्स कोई पढ़ पा रहा है। तो जब वो लाइंस पढ़ते हैं, आमतौर पे कैटरेक्ट के साथ क्या होता है, नीचे से सपोज टोटल 6 या 7 लाइंस हैं पढ़ने के लिए, तो नीचे की पहले 1 या 2 लाइंस मिस होनी शुरू हो जाती है, मतलब आप बॉटम की सबसे छोटी लाइंस नहीं पढ़ पाते हैं। और फ्रेंकली जब शुरू में नीचे की 2-3 लाइंस आप नहीं भी पढ़ पाते हैं, व्हेन यू आर मिसिंग द लास्ट 2 or 3 smaller lines, देन इनिशियल अर्ली कैटरेक्ट में हम लोग कई बार पहले कोशिश करते हैं कि हम चश्मा ही दे दें, तो हम स्पेक्स का नंबर निकालने की कोशिश करते हैं। एंड व्हेन वी ट्राई टू चेक फॉर द स्पेक्स, वी विल मेनी टाइम्स, अगर कैटरेक्ट बहुत शुरुआत का है तो थोड़ा बहुत नंबर चेंज हो जाता है उससे, और कई पेशेंट्स तो इसलिए आते हैं कि उनकी नंबर ही चेंज हो चुका होता है, तो वो चेकिंग के लिए पहुंचते हैं और पता चलता है कि मेरा नंबर बदल गया है। और अगर हम स्पेक्स दे देते हैं और विजन इंप्रूव करके लास्ट लाइन तक या सेकेंड लास्ट लाइन तक पहुंच जाते हैं, तो कुछ लोगों का अर्ली ट्रीटमेंट तो सिर्फ
स्पेक्स के साथ ही हो जाता है और वो स्पेक्स के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं और 2-4 महीने और उनके निकल सकते हैं। तो मोतियाबिंद या कैटरेक्ट को पहली बार हम जब देखते हैं तो जरूरी नहीं होता कि हम उसका इमीडिएटली ऑपरेशन कर दें। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट वी ऑपरेट पीपल इमीडिएटली व्हेन अ कैटरेक्ट इज डायग्नोस्ड। वी विल इनिशियली चेक देम इन डिटेल। और यूजली क्या होता है, जब हम कैटरेक्ट पहली बार देखते हैं तो हम कई चीजें और भी देख लेते हैं छोटी छोटी, जैसे हम ये चेक करना चाहते हैं कि कोई रेटिना में प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार कैटरेक्ट के साथ और भी चीजें बन रही होती हैं जो और एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लॉकोमा बन सकता है, पर्दा वीक हो सकता है, रेटिना में चेंजेस आ सकते हैं, कॉर्निया भी वीक हो सकता है। तो जनरली जब किसी को हम पहली बार देखते हैं कि उसको मोतियाबिंद शुरू हो गया है तो साथ में हम उनकी 2-4 चीजें और भी चेक कर लेते हैं कि आई की हेल्थ अच्छी है या नहीं। ड्रॉप्स डाल के डायलेट करके पर्दे को भी चेक कर लेते हैं, आई का प्रेशर भी चेक कर लेते हैं और उनको यूजली हम स्पेक्स दे देते हैं। कुछ लोग तब पहुंचते हैं जब उनका मोतियाबिंद ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है, मतलब वो नीचे की 3 लाइंस ऑलरेडी मिस कर रहे हैं और चश्मे से भी विजन इंप्रूव नहीं हो रहा है, प्लस उनको डे टू डे वर्क में दिक्कत आ रही है, मतलब वो अपना रोजमर्रा का काम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे ड्राइविंग करना तो उनको ग्लेयर पड़ती है, लाइट्स के आसपास हेलोज बनते हैं, या वो कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं ऑफिस में काम नहीं कर पाता हूँ। कई लोग घर पे पढ़ने का शौक रखते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो अलग अलग लक्षण हैं। तो टिपिकली हम पेशेंट को ये कहते हैं कि अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपका डे टू डे वर्क में आपको कई चीजों में दिक्कत आती है और आपको लगता है कि मेरी नजर साफ नहीं है या मुझे चश्मा साफ करने का मन कर रहा है बार बार, दैट मीन्स द कैटरेक्ट इज नाउ ट्रबलिंग यू एंड यू मे रिक्वायर अ सर्जरी। एक क्वेश्चन जो हम लोगों से कई लोग काफी पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या मोतियाबिंद जो है ये रुक नहीं सकता, या इसका इलाज क्या कोई ड्रॉप से तो नहीं हो सकता है, कोई दवाइयों से नहीं हो सकता है? तो अब इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि मोतियाबिंद पहली बात तो कोई बीमारी नहीं है, सो इसका इलाज हम आमतौर पे दवाइयों से नहीं कर सकते। हालांकि कई तरह की दवाइयां मार्केट में मिलती हैं, कुछ होम्योपैथी की हैं, कुछ आयुर्वेदिक हैं, कई लोग उसको मार्केट करते हैं कि दैट इस वाली ड्रॉप से ठीक हो जाएगा। बल्कि न्यूज़पेपर में कई बार बड़े बड़े एड्स निकलते हैं बड़ी बड़ी महंगी दवाइयों के कि इससे आँख की हर बीमारी ठीक हो जाएगी, मोतियाबिंद भी ठीक हो जाएगा, और कई लोग उसमें हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, वो दवा डालते रहते हैं आँख में। लेकिन देखा यह गया है कि साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से ऐसी अभी तक कोई ड्रॉप नहीं बनी जिससे कि प्रूवन वे में मोतियाबिंद को हटाया जा सके। हालांकि इसके ऊपर बहुत रिसर्च चल रही है और हमें उम्मीद है कि हो सकता है कुछ सालों में ऐसी दवाई बन भी जाएगी जिससे कि मोतियाबिंद को हम या तो रोक पाएंगे या थोड़ा बहुत ठीक भी कर पाएंगे। बट एज ऑफ डेट ऐसी अभी तक कोई खाने की दवा या डालने की दवा नहीं बन पाई। और जितनी दवाइयां ये सब यूज होती हैं ये सब मन की तसल्ली के लिए होती हैं, जिनसे कि लोग सोचते हैं वो डालते रहते हैं रोज एक एक बूंद दो दो बूंद, उनको लगता है कि शायद। और वैसे भी मोतियाबिंद देखिए कई बार 6 महीने 1 साल 2 साल तक अपने आप भी नहीं बढ़ता है, तो वो ये सोचते हैं कि शायद ये इस दवाई से ही रुक गया है। लेकिन ठीक है, मन की तसल्ली के लिए अगर हम डाल रहे हैं और दवा नुकसान कुछ नहीं कर रही है तो डालने में कोई बुराई नहीं है। बट हम लोग नॉर्मली प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं कि कोई ड्रॉप्स मोतियाबिंद को रोक सकती हैं। अब दूसरा, कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसको हम रोक क्यों नहीं सकते हैं। अब उसका सिंपल आंसर ये है कि क्योंकि ये एजिंग चेंज है या ये ग्रोइंग अप चेंज है, मतलब जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे चेंज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे बाल थोड़े सफेद हो जाते हैं, हम उतनी तेजी से दौड़ नहीं सकते, हमारी टांगें उतनी स्ट्रांग नहीं रहती हैं, या हमारी और शरीर में चेंजेस आने लगते हैं, फेस में चेंजेस आते हैं, मतलब कई सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, बोन्स उतनी स्ट्रांग नहीं रहती हैं। तो जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो कई चीजें शरीर में वो समय के साथ 19-20 वीक हो रही हैं, तो ऐसे आईज में भी ये चेंज जो आता है, जैसे बाल सफेद होते हैं तो इनफैक्ट बालों में भी प्रोटीन होता है और उनमें जब ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है वो एक वेरी सिमिलर चेंज है जैसे कि मोतियाबिंद में हमारा लेंस ग्रे हो जाता है और उसका जो प्रोटीन है वो डीनेचर होकर के उसमें धुंधलापन आ जाता है। तो मैं टिपिकली इस सबको ये कहता हूँ कि जिस दिन ऐसी दवा बन गई जिससे कि हमारी एज बढ़नी बंद हो जाएगी या हमारे बाल जो सफेद हो गए थे वो फिर से बिना रंग लगाए काले हो जाएंगे, उसी दिन हमारे पास शायद मोतियाबिंद का भी दवाइयों से इलाज आ जाएगा। लेकिन तब तक तो हमारे को मोतियाबिंद को निभाना है। और मोतियाबिंद डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, देयर इज नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ अ कैटरेक्ट बिकॉज इट इज नॉट अ डिजीज। नंबर टू, इसलिए भी डरने की बात नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल और बहुत सेफ है। देखिए आज से 50-100 साल पहले तो मोतियाबिंद आता था तो लोग वेट करते रहते थे, वो सोचते थे कि अभी तो हम इसका ऑपरेशन नहीं कराएंगे जब तक हमें दिख रहा है, क्योंकि ऑपरेशन आमतौर पर तब किया जाता था जब बिल्कुल दिखना ही बंद हो जाता था, जब हमें अपनी उंगली भी नहीं दिख रही है, आंख के सामने रख रहे हैं और हाथ भी नहीं दिख रहा है, उंगली भी नहीं दिख रही है। वो इसलिए वेट करते थे क्योंकि उस टाइम पे ऑपरेशन की सक्सेस रेट बहुत कम था, ऑपरेशन बहुत कठिन था। इनफैक्ट यहाँ तक कि जब हम ऑपरेशन करते थे तो आंख के अंदर के लेंस को आंख के अंदर ही गिरा दिया जाता था। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाऊं कि आज से 50-100 साल पहले
मोतियाबिंद का ऑपरेशन कैसे करते थे और उसमें आधे ज्यादा आंखें खराब हो जाती, तो इसलिए सब लोग डरते थे कि ऑपरेशन मत कराओ जब तक मोतियाबिंद पक नहीं जाता है। और आज हमारा सक्सेस रेट जो है कैटरेक्ट का ऑपरेशन का, वो 99.9% है। मतलब कि अगर 1000 लोग ऑपरेशन कराएंगे तो उसमें से 999 लोगों में हमें पूरी कामयाबी मिल जाएगी। शायद किसी एक में हमें कठिनाई आ सकती है जिसको अच्छी नजर ना आए या उसकी आई साइट वीक रहे। मैं देखता हूँ कि मैं आपको जो वीडियो दिखाना चाह रहा था एक, वो मैं दिखा रहा हूँ कि नहीं, तो आप देखिए। ये अभी कुछ एरियाज में अफ्रीका वगैरह में अभी भी आज की डेट में इसी तरीके से ऑपरेशन किया जाता है, और जो बहुत बैकवर्ड एरियाज हैं उनमें इस तरह से कई बार ऑपरेशंस करते हैं। तो लेट मी ट्राई टू शो यू कि हाउ यू नो ऑपरेशन वाज डन इन द पास्ट। सो आई एम नॉट श्योर कि दैट ये स्क्रीन हमारी आ रही है कि नहीं आ रही है, बट लेट मी ट्राई। ये एक वीडियो क्लिप है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आई थिंक ये वीडियो क्लिप शायद अभी नहीं आ पाया है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ स्क्रीन शेयर करने की। शायद अब ये वाला स्क्रीन आ जाएगी। तो आपको ये वीडियो एक दिख रहा होगा, ये मैंने बोरो किया है, हमारे डियर फ्रेंड हैं डॉक्टर अग्रवाल चेन्नई में, उन्होंने उनके कुछ हॉस्पिटल्स हैं अफ्रीका में और वहाँ पे उन लोगों ने ये रिकॉर्डिंग की थी वीडियो की, जिसमें कि उन्होंने दिखाया था कि ऑपरेशन किस तरह से। जस्ट अ पीस ऑफ कारपेट ऑन द फ्लोर फॉर मोर रिलीजियस रीजंस देन फॉर एसेप्सिस द ओआर रूम अपीयर्स टू बी प्रिमिटिव एंड रस्टिक द काउचा देन रिवील्स हिज मैजिक वेपन अ पेन सॉर्ट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट व्हेन अनकैप्ड शोज अ नीडल व्हिच अपीयर्स टू बी ऑलमोस्ट ब्लंट. Without any preparation or any anesthesia, he begins his surgery by stabilizing the eye with his thumb. The needle is injected perpendicular into the eye, almost 3 to 4 mm behind the limbus, and gradually pushed forward with a rotating movement. With sweeping movements, the whole lens is then dislodged into the vitreous cavity. It is also swept up and down several times to ensure the cataract will not rise up again. An immediate post-operative functional visual examination is then done to see if the patient is able to count the fingers. The end result is a happy patient and a happy culture. With some grime and some hot water, the needle gets sterilized for the next patient. With a similar technique, the needle tip is moved back and forth to disrupt the zonules. There is a bit of... So, let me just show you again. I think you were able to appreciate. ये बहुत आज से हजारों साल पहले ऐसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता था, और आप देख सकते हैं कि जब ये इस तरह से ऑपरेशन करते होंगे तो ऑब्वियसली वो ना तो नीडल स्टेराइल है और वो सड़क छाप यू नो जो झोला छाप कह लीजिए डॉक्टर्स होते होंगे, या डॉक्टर भी नहीं होते हैं बेसिकली, ये स्पेशलिस्ट होते हैं। लेकिन जब कोई सुविधा ही नहीं थी तो तब यही उपाय होता था आज से कई 100 साल पहले। और अफ्रीका में जहाँ पे अभी भी केयर अवेलेबल नहीं है, वहां पे शायद लोग अंधे हो जाते हैं, मोतियाबिंद पक जाता है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दूर दूर तक हॉस्पिटल नहीं है, तो वो लोग अभी भी इसी तरीके से मोतियाबिंद का किसी किसी रिमोट एरिया में, मतलब ये शायद बहुत ही रेयर चांस है कि ऐसा करने का ऑपरेशन की टेक्निक अभी हमें कहीं देखने को मिले। इंडिया में आई डाउट कि ऐसे कहीं पे अभी भी होता होगा। सो क्या होता था, जब इस तरह से पुराने टाइम पे ऑपरेशन करते थे तो ऑपरेशन के बाद कई लोगों की आईसाइट लूज हो जाती थी, लेकिन पिछले 100 साल में इतना ड्रामेटिक प्रोग्रेस हुई है कि जहां मैंने इनफैक्ट इवन लास्ट 25 ईयर्स में इतनी प्रोग्रेस हुई है कि जब मैंने ट्रेनिंग की थी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में, तो हम लोग जो आंख का ऑपरेशन करते थे तो हम करीबन 7-8 मिलीमीटर का कट इनको बाहर निकालते थे और फिर टांकों से सील करते थे, तो उसके बाद 45 दिन तक टांके आंख में रहते थे और 45 डेज के बाद जब स्टिचेस मूव करते थे तब पेशेंट की आंख पूरी ठीक से खुलनी शुरू होती थी और वो अपना काम करने लायक होते थे, और 1 महीने तक बहुत सावधानियां होती थी। और आज की डेट में मैं आपको आगे अभी बताऊंगा कि कितना एडवांसमेंट हो गया है कि ऑपरेशन करा के सेम डे पर्सन एक्चुअली अपनी गाड़ी भी ड्राइव कर सकता है अगर वो चाहे, और उसको 1-2 दिन से ज्यादा क्या सावधानियां या रेस्ट नहीं है। इनफैक्ट एट दिस पॉइंट आई विल अगेन रिक्वेस्ट डॉक्टर अंशिका टू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट हाउ कैटरेक्ट सर्जरी हैज यू नो चेंज्ड since the time in the last 20-25 years from the time of couching. तो देखिए बहुत पुरानी बात है, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, तो उसके बारे में
ज्यादा बात करने का फायदा भी नहीं है, जब होती नहीं है पूरी वर्ल्ड में कहीं पे सिवाय अफ्रीका के किसी गांव में होती होगी, तो इंडिया में तो एटलीस्ट नहीं होती है काउचिंग कहीं पे भी. बट शी विल टेल अस की दैट हाउ ऑपरेशंस हैव इवॉल्वड, कैसे मोतियाबिंद के ऑपरेशन में चेंजेस आए पिछले 10-20 साल में. देन आई विल टेल यू कि लेटेस्ट ऑपरेशन आज की डेट में कैसा होता है और क्यों करना पड़ता है. ठीक है डॉक्टर अंशिका. हाँ जी, तो जैसे कि हम जानते हैं कैटरैक्ट का एक समय के बाद हमें ऑपरेशन कराने की आवश्यकता पड़ती है. पिछले कई सालों में, हर कुछ सालों में नई ऑपरेशन आए हैं और नए तरीके आए हैं इस ऑपरेशन को ज़्यादा सक्सेसफुल और मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस के साथ करने के. सबसे पहले हमारे सबसे पुराना ऑपरेशन हुआ करता था ICCE. इसमें क्या किया करते थे, पूरी लेंस जिस है उसके साथ उस पूरी लेंस को बाहर निकाल दिया जाता था आंख से. इसमें जो चीरा लगता था वो भी बड़ा होता था और टाके भी ज़्यादा लगाए जाते थे. फिर कुछ साल बाद बिना थैले को निकाले सारी लेंस को बाहर निकाल कर ऑपरेशन किया जाने लगा. जैसे जैसे साल आगे बढ़ते गए तो फिर चीरे का साइज़ छोटा होता गया और कॉम्प्लिकेशंस कम होते गए, जब तक अब हम जहाँ पहुँचे हैं SICS और फेको ज़्यादातर किए जाते हैं ऑपरेशन. मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एक प्रेजेंटेशन, वो खुल नहीं रही है, पर इस वक्त पे हमारे जो बेसिक ऑपरेशन किए जाते हैं वो है SICS और फिको. SICS में बड़ा चीरा लगाया जाता है, बिना टाके का ऑपरेशन होता है ये भी. इसके मुकाबले में फिको में और भी छोटा चीरा लगाया जाता है और कोई टाके की ज़्यादातर आवश्यकता नहीं पड़ती है. इसके आगे डॉक्टर गौरव आपको आगे आज की नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बताएंगे. थैंक यू डॉक्टर अंशिका फॉर दैट नाइस इन्फॉर्मेशन. तो जैसा कि डॉक्टर अंशिका ने आपको बताया कि आज से 25-30 साल पहले जब ऑपरेशन करते थे, देखिए मोतियाबिंद का जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था तो तब तो केवल हम क्या करते थे, मोतियाबिंद को या कैटरेक्ट को आंख में से निकाल देते थे, और या तो साबुत निकाल देते थे या छोटे छोटे पीसेस में निकालते थे, लेकिन निकालने की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं थी तो हमें बड़ा सा कट लगाना पड़ता था. देखिए आंख का साइज कुल मिला के वैसे ही पूरा आगे से पीछे 20-22 मिलीमीटर का होता है, और जो ये हमारी छोटी सी काली पुतली है, इस काली पुतली के साइज को हम मानते हैं कि दैट हॉरिजॉन्टली करीबन 11 से 12 मिलीमीटर है, और अगर हम इसी के ऊपर छोटी सी 11-12 मिलीमीटर की पुतली के ऊपर अगर हम 7-8 मिलीमीटर का कट लगा दें या 10 मिलीमीटर का कट लगा दें, तो आप समझ सकते हैं जैसे पेट का ऑपरेशन है और पूरे पेट में ही चीरा लगा दिया, तो उसके बाद पेट हमेशा के लिए थोड़ा वीक हो गया या कमजोर हो गया. तो आजकल देखिए पेट के भी ऑपरेशन जो है वो दूरबीन से होते हैं, लैप्रोस्कोपी, जिसमें कि सिर्फ 1 इंच या 1 सेंटीमीटर का ही कट लगता है. वो क्यों करते हैं, वो इसलिए कि हमारे शरीर को हम जितना कम से कम छेड़ेंगे उतना ही हमारा शरीर सेफ रहेगा फ्यूचर के लिए, उतना उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगे, रिकवरी भी फास्टर होगी, प्रिकॉशंस भी कम होंगे. इसी तरह से आंख के ऑपरेशन में जब आज से 25-30 साल पहले, बल्कि मेरे फादर जो डॉक्टर MC लूथरा जो हमारे हॉस्पिटल के फाउंडर एंड डायरेक्टर चेयरमैन हैं, उन्होंने जब अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी 1960s में, तो इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी किया करते थे वो. उन्होंने आगरा मेडिकल कॉलेज में जब ट्रेनिंग करी और बहुत एक्सपर्ट थे सर्जरी में, तो उन्होंने जब स्टार्ट किया तो इंट्रा कैप्सुलर सर्जरी होती थी जिसमें कि 10 से 12 मिलीमीटर का आंख की पुतली के आसपास ऐसे गोला में कट लगा के और 1 मिनट में मोतियाबिंद को पुश करके बाहर निकाल देते थे साबुत. और उसके बाद वो बताते हैं कि 1960s में पेशेंट को 1.5 महीने तक लेटे रहना पड़ता था, टॉयलेट भी नहीं जा सकते थे, सिर के आसपास बोरियां लगा दी जाती थी ताकि कोई सिर टर्न ना कर पाए, और क्योंकि उन दिनों में टांके नहीं होते थे तो टांकों के बिना ही हीलिंग होती थी, तो काफी आंखें उन दिनों खराब हो जाती थी, इसलिए लोग डरते थे ऑपरेशन से और तभी कराते थे जब वो पक जाता था. लेकिन तब से देखिए हम कहां के कहां पहुंच गए. पहले तो देखिए आंख की टेक्निक्स बेटर हुई, फिर लेंस भी आ गए, आंख के अंदर लेंस डालने लगे आज से करीबन 50 साल पहले. और लेंस लगाने से क्या हुआ कि जो कुदरती लेंस हमने बाहर निकाल दिया है तो अंदर जगह खाली छोड़ देंगे तो क्या होगा, बाद में मोटा नंबर का लगाना पड़ता था. आपने देखा होगा कुछ बहुत बुजुर्ग लोग जो होते थे पहले, वो लोग बहुत मोटे मोटे चश्मे पहनते थे और उसके बिना उनको कुछ नहीं दिखता था. इनको हम कहते हैं अफेकिक ग्लासेस. 10 या 12 नंबर का चश्मा होता था और मोटा चश्मा होता था, आंखें भी इतनी बड़ी बड़ी देखने में लगती थी. जब से लेंस आ गया तो उससे क्या फायदा हुआ कि लेंस आंख के अंदर लगाने से चश्मे की पावर बहुत कम हो गई, मतलब चश्मा अब 10-12 नंबर की जगह 2 या 3 नंबर का ही चश्मा लगाना पड़ता था. लेकिन टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी तो इस वजह से चश्मे का नंबर फिर भी आता था, और लेंस की पावर को कैलकुलेट करने की टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी. फिर बड़ा चीरा लगाते थे तो उसकी वजह से सिलिंड्रिकल नंबर बहुत हाई आ जाता था और 1-1.5 महीना लगता था नजर वापस इंप्रूव होने में, और वो भी चश्मा पहन के ही अच्छी आती थी. फिर इंट्रा कैप्सुलर के बाद आया एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी, जिसमें कि
कट थोड़ा छोटा हो गया, पहले 10 mm का था, उसकी जगह वो 7-8 mm का कट हो गया और बहुत अच्छी क्वालिटी के टांके आ गए, मतलब हमारे बाल से भी 10वें हिस्से के बराबर के टांके, जिनको हम 10-0 सूचर कहते हैं। तो जब मैंने ट्रेनिंग ली 1990s में, तो हम लोग एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी करके और आंख के अंदर लेंस फिक्स करके और हम टांके लगा देते थे, और ये बहुत बारीक टांके होते थे 10-0, जिनका महसूस कुछ नहीं होता था, और 1 महीने बाद इनको हम निकाल भी दिया करते थे। लेकिन फिर भी कमियां क्या थी, क्योंकि बड़ा कट था 8 mm का, तो रिकवरी स्लो होती थी, टाइम ज्यादा लगता था, कॉम्प्लिकेशन हो जाते थे, अगर कोई बहुत जोर से दबा दे तो टांका टूट जाता था, इस तरह की प्रॉब्लम थी। फिर इतना बड़ा ऑपरेशन करने के लिए इंजेक्शन लगा के आंख सुन करनी पड़ती थी, यू नो वी हैड टू यूज एन इंजेक्शन टू गिव द एनेस्थीसिया फॉर द ऑपरेशन। So the whole experience was not very comfortable, but somewhere in the 1990s, the technology improved and we got a surgery known as phaco emulsification, जिसको phaco के नाम से बहुत popular है। तो phaco surgery कोई नई surgery नहीं है, 1990s में आई थी। In fact, मैंने, मुझे याद है जब देहरादून में shift हुआ 1997-98 में, तो I was the first surgeon to start doing phaco surgery because I was trained in doing phaco, and phaco surgery का advantage ये था कि हमारा cut केवल 3 mm का हो गया, 3.5 mm के कट से ही हम ऑपरेशन करने लग गए, और उसका उसकी वजह से एडवांटेज ये मिला हमारे को कि ये कट जो था इसको स्टिच लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी आमतौर पे, क्योंकि बिना स्टिच के ही जो विजन था वो इम्प्रूव, ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता था, उसको हम स्टिचलेस सर्जरी कहते थे, और उसी छोटे से 3.5 mm के होल से ही हम लोग लेंस भी आंख के अंदर इंजेक्ट कर देते थे, जिसको फोल्डेबल लेंस कहते थे। तो ये हमने 1998 में ये वाला प्रोसेस स्टार्ट किया था। अब जैसे जैसे समय गया तो फेको सर्जरी में बहुत इंप्रूवमेंट आए, मशीन्स बेटर हो गई, बहुत अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप्स आ गए जिसमें हम अच्छा देख पाते थे, कट भी थोड़ा और छोटा हो गया, 3.5 mm की जगह 3 mm का हो गया, फिर 2.8 mm का भी हो गया, लेंस की क्वालिटी में बहुत इंप्रूवमेंट आया। इनफैक्ट एक फ्यूचर वेबिनार हफ्ते 10 दिन बाद हम लोग और करेंगे, जिसमें कि हम सारे तरह के आंख के लेंसेज के बारे में बात करेंगे कि आंख में ऑपरेशन के मोतियाबिंद के ऑपरेशन के साथ हम किस किस तरह के लेंस कर सकते हैं इम्प्लांट, जिससे कि हमें फायदा मिल सकता है, दूर की नजर भी अच्छी हो सकती है, नजदीक में भी हम बिना चश्मे के पढ़ सकते हैं, और ऑलमोस्ट हमें चश्मे से पूरी तरह से छुटकारा मिल सकता है बाय यूजिंग द करेक्ट टाइप ऑफ लेंस फॉर यू, लाइक टोरिक लेंस, मल्टीफोकल लेंस, ट्राईफोकल लेंस, ये सब हम जानकारी आपको देंगे। आप वॉच आउट करिएगा हमारे फेसबुक चैनल पे, हम लोग इसके बारे में, आई विल बी कवरिंग दिस टॉपिक इन अबाउट 10 to 15 days, एंड वी विल अनाउंस इट इन एडवांस। नाउ गोइंग अहेड विद द सर्जरी, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में फेको विधि ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया, क्योंकि कट बहुत छोटा हो गया, रिकवरी फास्टर हो गई, 15 दिन में ही पेशेंट्स ठीक हो जाते थे, नजर भी अच्छी आती थी, और कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो गए, 100 में से केवल 1-2 पेशेंट्स को ही दिक्कत होती थी, बाकी 97-98 लोग बहुत अच्छे से ठीक हो जाते थे। बट उसके बाद फेको में ही और एडवांसमेंट्स हुए, फेको का इंसिजन और छोटा होता गया, फेको की मशीन्स बहुत एडवांस हो गई, जो पहली मशीन हमने फेको की ली थी मुझे याद है 1997 में, वो कुल मिला के 5-6 लाख रुपए की थी, और जिस फेको मशीन से हम आजकल ऑपरेट करते हैं वो 65 लाख रुपए की है, सेंचुरियन, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि पुरानी मशीन्स में एनर्जी बहुत यूज होती थी, गर्मी बहुत यूज होती थी, फेको अल्ट्रासोनिक हैंडपीस होता था, तो टिश्यूज में टाइम भी बहुत लगता था, 15-20 मिनट लग जाते थे ऑपरेशन में, कई बार आधा घंटा लग जाता था। न्यू टेक्नोलॉजी मशीन्स इतनी एडवांस हैं कि उससे आई की टिश्यूज को कोई डैमेज नहीं होता, कोई हीटिंग प्रोसेस नहीं है, फास्ट सर्जरी हो जाती है, पूरी कंट्रोल्ड होती है, उनकी फ्लूइडिक्स वगैरह बहुत अच्छी हैं, सारे उसके कंज्यूमेबल पार्ट जो है वो सब डिस्पोजेबल हो गए, उससे कॉस्ट जरूर बढ़ गई, क्योंकि एक पेशेंट में कम से कम 2-4-5 हज़ार रुपए के तो सिर्फ डिस्पोजेबल कंज्यूमेबल पार्ट्स ही यूज हो जाते हैं, जो कि एक बार यूज एंड थ्रो होते हैं, लेकिन उससे पेशेंट को फायदा बहुत होता है, क्योंकि इन्फेक्शन के रेट्स ऑलमोस्ट 0 हो गए या 0.1% पे आ गए, साथ में कॉम्प्लिकेशन रेट्स आर बिलो 1%, 99% पीपल गेट अ परफेक्ट विजन विद इन 1 or 2 days, तो जमीन आसमान का फर्क पड़ा। हमारे कट्स भी बहुत छोटे हो गए, 2 mm से भी छोटे हो गए, 1.8 mm कट से ही आजकल हम लोग ऑपरेशन कर लेते हैं। सबसे बड़ा एडवांसमेंट ये हुआ कि कई लोग ऑपरेशन से बहुत डरते थे, क्योंकि ऑपरेशन करने से पहले आंख को सुन करना पड़ता था, जैसे आप डेंटल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो कुछ छोटे मोटे इलाज तो होते हैं जिनको बिना आंख में दांत में इंजेक्शन लगाए हो जाते हैं सुन करने का, लेकिन जो बड़े दांत के प्रोसीजर्स हैं कि दांत निकालना है या क्राउन लगाना है या रूट कैनाल करना है, तो उसके लिए तो आंख दांत को सुन करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा एडवांसमेंट हमारी फील्ड में ये आया कि जितने ये कैटरेक्ट के ऑपरेशन बिना इंजेक्शन लगाए कर सकते हैं, तो उससे पेशेंट को बिल्कुल पता भी नहीं चलता है, तकलीफ ही नहीं होती है। हम सुन करने की आई ड्रॉप्स डाल देते हैं आंख के ऊपर, जिससे कि आई ड्रॉप्स के साथ आंखें नम हो जाती हैं, और ऑपरेशन भी न्यू मशीन और न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत शॉर्ट हो गया, केवल हम लोग 5-7 मिनट में ही पूरा ऑपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं अगर सिंपल केस हो, और अगर डिफिकल्ट केस हो तो 10-15 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती, कोई खास दर्द नहीं होती, कुछ पता नहीं चलता, और क्योंकि बिना सुन का इंजेक्शन लगाए हम ऑपरेशन करते हैं, तो अगर हम चाहें तो ऑपरेशन के बाद पेशेंट
या जिसको ऑपरेशन हुआ है वो बिना पट्टी किए बिना ड्रेसिंग के भी उठ के सीधा देखते हुए इमिडिएटली ऑपरेशन के बाद ही कैन स्टार्ट सीइंग एंड रीड द चार्ट एंड ही कैन ड्राइव बैक होम इफ ही वॉन्ट्स. बट बिकॉज ऑपरेशन इज नॉट टू बी टेकन लाइटली तो हम प्रेफर यही करते हैं कि ऑपरेशन के बाद एक दो घंटे के लिए एटलीस्ट या दो चार घंटे के लिए हम आई के ऊपर पतला सा एक पैच दे देते हैं जिसको कि छोटी सी ड्रेसिंग होती है और उससे आंख थोड़ी सी सेफ रहती है. नहीं तो कई लोगों का क्या होता है पहले ऑपरेशन करते ही उठते हैं और अपना सीधा आंख में हाथ लगाने की कोशिश करते हैं तो उससे चोट भी लग सकती है और इन्फेक्शन भी हो सकता है. तो वहां पे अगर एक प्रोटेक्शन की ड्रेसिंग एक दो घंटे रहती है तो उससे वो लोग केयरफुल भी रहते हैं और थोड़ा सा उनको आइडिया भी हो जाता है कि आंख की देखभाल कैसे करनी है. तो आजकल जो ऑपरेशंस होते हैं फेको का जो और एडवांस वर्जन आ गए जिनसे बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ा. बल्कि अब फेको टेक्नोलॉजी नॉर्मल वाली जो है वो तो खास इस्तेमाल होती नहीं है सिवाय इसके कि अगर हमें बहुत लो कॉस्ट में पुरानी फेको टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन करना हो जिसमें थोड़ा कट 3-3.5 mm का लगता था और सिंपल टाइप का लेंस लगता था. न्यू टेक्नोलॉजी फेको मशीन में माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी या माइक्रो फेको आ गया. फिर उसमें इमेज गाइडेड कैटरेक्ट सर्जरी आ गई जिसमें कि सारा कुछ कंप्यूटर कंट्रोल्ड है मतलब कस्टमाइज्ड है. वो क्या करता है कंप्यूटर पहले ऑपरेशन से पहले ही आंख की एक इमेज बना लेता है और उसके हिसाब से वो पूरी प्लानिंग करता है. उसको हम कहते हैं वीरियन गाइडेड या इमेज गाइडेड कैटरेक्ट सर्जरी जिसको हम ऑल्सो कस्टमाइज्ड कैटरेक्ट सर्जरी कहते हैं जिसमें कि हर एक स्टेप उसका कैलकुलेटेड और कैलिब्रेटेड है. कंप्यूटर गाइडेड कह लीजिए या जैसे आपने देखा होगा वो कंप्यूटर गाइडेड मिसाइल्स होती है ना जो कई बार अमेरिका फायर करता है और वो जाके हजारों मील से जाकर के एग्जैक्ट अपने निशाने में पड़ती हैं या जैसे इंडिया ने फायर किया था पाकिस्तान पे जब सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे. तो वो इमेजिंग टेक्नोलॉजी यूज करने से हम आईज का जब ऑपरेशन करते हैं तो सर्जन जो ऑपरेट कर रहा होता है उसके माइक्रोस्कोप में अंदर वो पूरा कैलिब्रेटेड व्यू आ जाता है कि ऑपरेशन के दौरान कहाँ पे छोटा सा कट लगाएंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, कहाँ पे हम किस तरीके से मोतियाबिंद के ऊपर की लेयर उतारेंगे, कैसे मोतियाबिंद को बाहर निकालेंगे, फिर कैसे अंदर लेंस की ओरिएंटेशन कैसी रखेंगे जिससे परफेक्ट रिजल्ट आ जाए. तो इसको हम कहते हैं इमेज गाइडेड कैटरेक्ट सर्जरी या माइक्रो इंसिजन कस्टमाइज्ड कैटरेक्ट सर्जरी. तो ये बहुत बड़ा एडवांसमेंट है. इसका एडवांटेज ये है कि हमारा ऑपरेशन का रिजल्ट भी बहुत बेहतर होता है, चश्मे की आवश्यकता ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाती है, विच मीन्स कि ऑलमोस्ट 6-7 लाइंस में से हम 5 या 6 लाइंस तो बिना चश्मे के ही पढ़ लेंगे क्योंकि चश्मे का नंबर ही नेग्लिजिबल हो जाएगा. उसके अलावा हमारा प्रिसीजन और जिस तरह हम ऑपरेशन करते हैं उसमें बहुत जमीन आसमान का इंप्रूवमेंट आ गया. साथ में बिना सुन किए के इंजेक्शन लगाए हुए पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहता है क्योंकि सुई का दर्द ही इतना बड़ा होता है कि ऑपरेशन का दर्द तो उसके सामने कुछ भी नहीं है. तो इसीलिए आजकल बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं. आमतौर पे 3-4 मिनट में या लेस देन 5 मिनट्स में भी ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है अगर पेशेंट कोऑपरेटिव हो. और यूजली जब मैं ऑपरेशन फिनिश करता हूं तो पेशेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब बस हो भी गया, हमें तो पता ही नहीं चला आपने कब कर दिया ऑपरेशन, लेंस भी लग गया. अच्छा, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ होता है और दे आर वेरी हैप्पी एंड दे कैन गेट अप एंड वॉक होम इमीडिएटली. कोई उनको सावधानियां बहुत ज्यादा नहीं है, बस ये सावधानियां मेन होती है मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद. आजकल भी आंख को दबाना नहीं है, बार बार हाथ नहीं लगाना है, गंदा हाथ गंदा पानी ना लगे और एटलीस्ट एक हफ्ते तक हमें केयरफुल रहना पड़ता है कि कोई चोट या गंदगी आंख में ना जाए, नहाने से सिर का पानी आंख में ना चला जाए या बारिश का पानी आंख में ना चला जाए. ये सावधानियां तो अभी भी हमें रखनी पड़ती हैं क्योंकि अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली फिर कुछ ना कुछ दिक्कत तो आएगी आएगी. तो लाइटली नहीं लेना चाहिए क्योंकि ऑपरेशन कितना भी हम अच्छा कर लें, कितना भी एडवांस लेंस लगा दें, कितना भी एडवांस ऑपरेशन कर लें, अगर हम सावधानी नहीं रखते और आंख में कोई इन्फेक्शन हो जाए या चोट लग जाए तो नजर पूरी तरह से जा भी सकती है. और कई बार ऐसे हजारों में से किसी एक केस में ऐसा हो जाता है कि लोग नहीं प्रिकॉशन रख पाते और उनको फिर उसका निभाना पड़ता है, दिक्कत आ जाती है. हालांकि आजकल उसकी भी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई और हम ज्यादातर आंखों को सेव कर लेते हैं अगर ऐसा कभी रेयर केस में हो जाए. अब मैं सिर्फ लास्ट में एक आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि और लेटेस्ट एडवांसमेंट मोतियाबिंद के ऑपरेशन में ही आया कि पिछले 3-4 साल से अब हम इस ऑपरेशन को लेजर से भी करने लग गए. तो आज से 20 साल से मैं यही सुनता आ रहा था कि डॉक्टर साहब क्या ऑपरेशन लेजर से हो जाता है, तो हमें बताना पड़ता था कि हाँ लेजर जैसा ही एक मशीन फेको कहते हैं उसको तो हम फेको से कर लेते हैं. लेकिन सच में 3-4 साल पहले एक्चुअली एक लेजर मशीन आ गई जिसको हम कहते हैं फेमटो सेकेंड लेजर या हमारे पास जो सबसे एडवांस मशीन अभी वर्ल्ड की है जिसको हम कहते हैं कैटलिस्ट लेजर. तो ये फेमटो असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी कहा जाता है या फेमटो लेजर असिस्टेड. इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं ऑपरेशन के सारे वो सारे लेजर मशीन से होते हैं. तो लेजर क्या चीज है, लेजर इज जस्ट अ लाइट. लेजर का जो फुल फॉर्म है उसको हम कहते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. तो लेजर इज जस्ट अ लाइट विच इज हाईली फोकस्ड बीम. आपने लेजर देखे होंगे कि लेजर गन्स होती हैं या लेजर पॉइंटर होता है जो रेड लाइट होती है जिससे हम लेजर पॉइंटर यूज करते हैं, तो उसी टाइप का एक लेजर होता है. बहुत बड़ी मशीन है, पूरा कमरा घेर लेती है और उसमें हम लोग करते हैं. कुल मिला के 2-3 मिनट लगते हैं, पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि हमने कुछ किया. लेकिन जितने मोतियाबिंद के ऑपरेशन के क्रिटिकल स्टेप्स हैं जैसे कि कॉर्नियल इंसिजन हो गए, कैप्सुलॉटमी हो गई,
लेंस का फ्रेगमेंटेशन या न्यूक्लियस का फ्रेगमेंटेशन, ये सारे स्टेप्स जो सबसे क्रिटिकल होते हैं ये प्रिसाइजली एंड सेफली हो जाते हैं. तो इससे हमारी सेफ्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है लेजर वाले ऑपरेशन से मोतियाबिंद के, और उससे पेशेंट का आराम भी बहुत बढ़ जाता है. पेशेंट्स को पता भी नहीं चलता है क्योंकि उस 2 मिनट में लेजर काम करता है और उसके बाद हम उनको दूसरे ऑपरेशन रूम में ले जाके जहाँ पे हम कैटरेक्ट को वॉश आउट करके और आंख के अंदर लेंस इम्प्लांट कर देते हैं. वो वाला स्टेप बहुत शॉर्ट वे में हो जाता है और बहुत सेफर वे में हो जाता है. तो लेजर सर्जरी का मैक्सिमम फायदा उन लोगों को है जैसे जिनको, पहली बात तो जिनको डर लगता है ऑपरेशन से, क्योंकि जो लोग ऑपरेशन से डरते हैं कि डॉक्टर साहब दर्द तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, पता नहीं कैसे हम कराएंगे ऑपरेशन, उनके लिए तो बहुत आसान हो गया क्योंकि लेजर वाले ऑपरेशन में तकलीफ सबसे कम होती है, मतलब पता भी नहीं चलता कि ऑपरेशन किस तरह से खत्म भी हो गया. दूसरा, उनके लिए बहुत एडवांटेजेस है जो लोग हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज है, उसकी हीलिंग पुअर है, ऐसे ही अगर किसी का कॉम्प्लेक्स कैटरेक्ट है जैसे सबलक्सेटेड कैटरेक्ट है, इंट्यूमिसेंट मतलब ज्यादा पका हुआ मोतियाबिंद है, इस टाइप का मोतियाबिंद को ऑपरेशन में इजियर हो जाता है करना, है ना. और इस तरीके से जो जितने भी चैलेंजिंग केसेस हैं, प्लस रिजल्ट भी बेटर आता है. जैसे हम जो नई टेक्नोलॉजी के लेंसेज आजकल लगाते हैं, टॉरिक लेंस, मल्टीफोकल लेंस, जो लोग चाहते हैं कि ऑपरेशन के बाद चश्मा ना ही लगाना पड़े या मामूली नंबर ही रह जाए और डिपेंडेंस ऑन चश्मा ना रहे, तो उसमें लेजर सर्जरी बहुत यूजफुल है और हीलिंग भी फास्टर होती है और रिकवरी भी फास्टर होती है. तो ये कैटलिस्ट लेजर और या इस तरह की एक दो कंपनीज और भी बनाती हैं लेजर जिनसे कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जा सकता है. ये अभी कुल मिला के मुझे लगता है इंडिया में केवल 50-60 सेंटर्स होंगे जहाँ है, और अभी सिर्फ चुनिंदा सेंटर्स में है. तो मैंने देखा है कि अब जैसे पूरे उत्तराखंड में सिर्फ देहरादून में ही लेजर वाला ऑपरेशन अवेलेबल है, अगर हम पूरे यूपी में देखें तो शायद केवल एक दो सिटीज जैसे लखनऊ में या मेरठ में ही मिल सकता है, अदरवाइज दिल्ली में मिलता है. बट हम लोग देखते क्या है कि छोटी छोटी क्लिनिक्स, छोटे छोटे हॉस्पिटल सब लिख लेते हैं कि दैट हम लोग लेजर से मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं और केवल 10-20 हज़ार रुपए में कर लेते हैं, जबकि लेजर ऑपरेशन में एक्चुअली कॉस्ट काफी आती है, मिनिमम कॉस्ट 60-70 हज़ार के आसपास आती है. तो कई सेंटर्स अपने वहां बाहर लिख लेते हैं कि हम लेजर से करते हैं, बट शायद हर जगह तो लेजर अवेलेबल ही नहीं है, मशीन ही इतनी महंगी है कि 3-4 करोड़ की आती है, दैट इज वाई द कॉस्ट ऑफ सर्जरी इज लिटिल मोर. बट अगर हम देखें कि हम जब मोबाइल फोन ही 40-50 हज़ार का आजकल ले लेते हैं, तो अपनी आंख में क्यों नहीं हम अच्छा ऑपरेशन के लिए खर्चा कर सकते, और वो वन टाइम खर्चा है, फोन तो हम हर 2 साल में खरीदते हैं. खैर, तो ये सब बात हुई हमारे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बारे में, और हमने ये भी समझा दिया आपको कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, और उसके बाद सावधानियां आजकल मिनिमम है, रिकवरी बहुत फास्ट है. अब मैं चाहूंगा कि आपके कुछ सवाल मैं आंसर करूं जो हमारे पास फेसबुक के और हमारे डिफरेंट वेज से आए हैं. तो मैं आपको ये वाले क्वेश्चंस सॉल्व करना चाहूंगा आपके लिए जो हमारे यूजर्स ने हमारे को भेजे हैं, और इसमें कई सारे कमेंट्स हैं. तो एक तो उन्होंने पूछा है गौरव वाजपेयी जी ने कि एडवांस कैटरेक्ट होने पे क्या पेशेंट को फिर भी वेट करना चाहिए कि 1 महीना और वेट कर लें चश्मा पहन के. देखिए, पहली बात तो ये है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन का सही समय मैंने आपको बताया था कि जब हमारे को कठिनाई होने लगे अपना डे टू डे काम करने में. लेकिन देखिए, अभी जैसे आजकल कोविड का इन्फेक्शन चल रहा है और आमतौर पे क्राउडेड प्लेसेस पे जाना सेफ नहीं है, हॉस्पिटल्स विजिट करना बहुत अच्छा नहीं है अगर अनलेस आपको बहुत जरूरी है. तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कोई एक इमरजेंसी नहीं है, ये एक इलेक्टिव ऑपरेशन है. अगर हम आज नहीं करेंगे, 15 दिन में कर लेंगे या 1 महीने में कर लेंगे तो कोई नहीं बिगड़ेगा. लेकिन गलती क्या हो जाती है कि इस चक्कर में कई लोग उसको टालते जाते हैं, वो सोचते हैं कि अच्छा अभी तो मुझे अभी भी दिख रहा है, थोड़ा और चला लेते हैं. तो उसमें क्या दिक्कत आती है कि फिर कैटरेक्ट जो है वो ज्यादा पक जाता है और हार्ड भी हो जाता है. तो जितना हम उसको हार्ड होने देंगे या ज्यादा पकने देंगे, उतना हमारी सर्जरी का ड्यूरेशन और उसका स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा, मतलब उसमें और ज्यादा हमें समय भी लगेगा, ज्यादा छेड़ाखानी भी ज्यादा करनी पड़ेगी, और साथ ही में ऑपरेशन जब मोतियाबिंद बहुत हार्ड होता है तो उसको निकालने में जो एनर्जी है वो लेजर की या फेको की ज्यादा यूज होती है, तो कॉम्प्लिकेशन रेट्स भी बढ़ जाते हैं. तो आमतौर पर हम सबको यही समझाते हैं कि एक बार हमने डॉक्टर ने आपको एडवाइस कर दिया कि अब आप ऑपरेशन करा सकते हैं, उसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपको कल ही कराना है, लेकिन 15-20 दिन महीने अंदर अंदर आपको फिनिश करा लेना चाहिए. क्योंकि अगर हमने उसको और बहुत लंबा टाल दिया तो 2-4-6 महीने के बाद वो पूरा ही पक जाएगा, फिर हार्ड हो जाएगा, फिर नई टेक्नोलॉजी से हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे. जैसे हम लोग लेजर से या माइक्रो कट से हम कर लेते हैं, जो बहुत ज्यादा पका हुआ या बहुत ज्यादा हार्ड कैटरेक्ट होता है उसके लिए अभी भी हमें पुरानी यूज करनी पड़ती है जिनमें कि हम पूरा 6-7 मिलीमीटर का कट लगा के किया करते थे, और कई बार उसमें टांके भी लगाने पड़ते हैं, कॉम्प्लिकेशन रेट्स भी हाई रहते हैं. तो कैटरेक्ट सर्जरी का जो सही टाइम है वो है जब आपका मोतियाबिंद 30-40% हो गया है, नीचे की चार्ट में से 2-3 लाइंस मिस हो रही हैं, चश्मे से भी नजर अच्छी नहीं हो रही है,
और अगर आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि अब आप ऑपरेशन करा सकते हैं तो आप विद इन अ मंथ और टू उसको प्लान करके कर सकते हैं और टेम्परेरीली चश्मे से काम चला सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो सुना था कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन तभी कराना चाहिए जब वो पूरा पक जाए, तो अब उसका सिंपल आंसर ये है। तो आई आस्क डॉक्टर अंशिका, वुड यू लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन दैट मोतियाबिंद पकने पे ऑपरेट करना चाहिए या हम उसको, व्हाट इज द राइट टाइम टू डू अ कैटरेक्ट सर्जरी, क्या इज इट इम्पोर्टेंट टू वेट कि पूरा पक जाए या हम पहले भी कर सकते हैं ऑपरेशन? हाँ जी, तो ओके, सो कैटरैक्ट का ऑपरेशन हमें आईटी टीम कैन यू प्लीज स्विच द विजुअल टू डॉक्टर अंशिकास। I think we can hear you, so you can speak even if they can't see you. तो कैटरैक्ट का ऑपरेशन जो हमारे को कराना होता है, जैसे पहले डॉक्टर गौरव ने बोला था कि शुरू में आपको नीचे की एक या दो लाइन जब आप अपने चश्मे का टेस्ट कराएंगे तो सिर्फ एक या दो लाइन नहीं पढ़ने में आएंगी, और जैसे जैसे आपका कैटरैक्ट और प्रोग्रेस करेगा तो आपकी तीन या चार लाइनें आपको नहीं दिखाने लगेंगी। तो शुरू में आप चश्मे का नंबर लेकर अपना कैटरैक्ट के लिए वो एडिक्वेट ट्रीटमेंट मान सकते हैं अगर आपको उससे पूरा दिखाई दे रहा है, पर जैसे वो आगे बढ़ेगा, जैसे आपका विजन नीचे की चार लाइन जैसे हम 6/18 कहते हैं उससे ज़्यादा गिरना शुरू करता है, तो वो एक अच्छा टाइम होता है कि अब आप कैटरैक्ट ऑपरेशन करवा सकते हैं। पर आगे जाकर जब मैच्योर हो जाए तो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द कैटरैक्ट ऑपरेशन करवा दिया जाए जिससे पहले कोई और कॉम्प्लिकेशन देखी जाए कैटरैक्ट। थैंक यू डॉक्टर अंशिका फॉर एलैबोरेटिंग। सो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हमें टाइमली करने में ही एडवांटेज है, एंड वी शुड बी प्लानिंग टू डू अ कैटरैक्ट सर्जरी वेल इन टाइम। हमें वेट नहीं करना चाहिए कि जब तक कि मोतियाबिंद पक ना जाए और बहुत एडवांस्ड ना हो जाए, तब तक हमें वेट करना ठीक नहीं है ऑपरेशन के लिए। सो आई विल रिक्वेस्ट आईटी टीम टू स्विच द व्यू टू my view if possible, if it is not yet switched, but if it is switched it's fine. So cataract ko pakne ke liye purane zamane mein wait karte the, ab hum nahi karte, that is what I wanted to convey. Aajkal hum log timely kar sakte hain. Dekhiye aajkal aur bhi changes aa gaye hain cataract ka operation mein. Pehle age ko dekha jata tha ki elderly ho gaye hain, but aajkal even 50 years ki age pe, 45 years ki age mein agar cataract significant ho jaye to hum log operation karne mein hesitate nahi karte aur hum log easily operation kar sakte hain. सिमिलरली कुछ और क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि विच इज द बेस्ट सीजन, कौन सा बेस्ट मौसम है जिसमें कि ऑपरेशन करना सही रहता है। तो देखिए अगर आप पूछेंगे बेस्ट सीजन कौन सा है, तो जो विंटर मंथ्स होते हैं जैसे सितंबर अक्टूबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक के, ये तो बहुत ही अच्छे महीने होते हैं क्योंकि इस दौरान मौसम भी अच्छा रहता है और पसीने नहीं आते हैं, गर्मी कम रहती है। लेकिन जो पुराने टाइम में हम ऑपरेशन से डरा करते थे कि ऑपरेशन रेनी सीजन में ना करें या गर्मियों में ना करें, वो चीज़ अब उतनी अप्लाई नहीं करती है और अब हमारे पूरे साल में ही ऑपरेशंस रेगुलरली होते रहते हैं। वो ऐसा क्यों चेंज आया? क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी में जब बड़ा कट लगाते थे और टांके लगाया करते थे तो प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा होते थे, एक महीने डेढ़ महीने तक प्रिकॉशंस रखने पड़ते थे। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव करती चली गई कि अब छोटा सा माइक्रो कट होता है, एक दो दिन के रेस्ट के बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, प्रिकॉशंस भी मिनिमम है, हीलिंग भी बहुत फास्ट है। तो आजकल ऑपरेशन के बाद वैसे भी लोग अब एयर कंडीशनिंग में रहते हैं, तो जो लोग बहुत पुअर कंडीशंस में रहते हैं उनको तो अभी भी हम एडवाइस करते हैं कि रेनी सीजन में ऑपरेशन ना कराएं। जैसे जो लोग छोटे कच्चे घरों में रहते हैं या झुग्गी होते हैं, पुअर पेशेंट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं आप रुक जाइए, रेनी सीजन में मत कराइए। जो लोग अच्छे घरों में रहते हैं या क्लीन एरियाज में रहते हैं जहाँ पे उनका प्रॉपर देखभाल हो सकती है, तो उन एरियाज के लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि वो विंटर्स की वेट करें, दे कैन गेट ऑपरेटेड। ऑफ कोर्स प्रिकॉशंस तो पूरे रखने ही चाहिए, अगर हम पूरे प्रिकॉशंस नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो विद दैट आई थिंक आई होप आई हैव आंसर्ड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेरीज। अंशिका, इज देयर एनीथिंग दैट
any question which comes to your mind, which patients sometimes ask, and which you feel maybe worth answering here for our patients and clients who are listening on to us today. Any other question on cataract which comes to your mind, which patients may want to ask? Yes, lots of times patients ka sabse common question ye hota hai cataract operation ke baad ki doc sahab lens dal gaya tha ki nahi dala tha. Matlab ye sare question sare patients ko ek hi ye doubt rehta hai. To iska yehi answer hai ki aajkal हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि आँख में अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, अगर आँख में कोई और डिजीज ना हो जिसकी वजह से हम ना डाल पाएं, तो लेंस डलता ही डलता है कैटरेक्ट ऑपरेशन में. अगर लेंस ना डले तो उसकी जगह एक मोटा चश्मा आता है जैसे पुराने ज़माने में लोग पहना करते थे, तो वो पहना जाता है और फिर बाद में अगर हो सके तो लेंस डालने की पूरी कोशिश करी जाती है, पर मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में आजकल लेंस डाला जाता है. थैंक यू. मीन्स कि एक क्वेश्चन और किसी ने अभी हमारे को पूछा है, मिस्टर बिमल आर्या ने, कि कंजेनिटल कैटरेक्ट क्या होता है, कि न्यू बॉर्न्स को भी कैटरेक्ट हो सकता है. देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि लोग तो यही सोचते हैं कि मोतियाबिंद तो ओल्ड एज की बीमारी है, लेकिन वी कैन गेट अ कैटरेक्ट इवन फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी और विद इन द फर्स्ट 6 months और फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ यू कैन गेट अ स्मॉल कंजेनिटल कैटरेक्ट. का मतलब होता है कि पैदाइशी कैटरेक्ट. ठीक है, उसमें क्या होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तभी उसको कैटरेक्ट डेवलप कर जाता है और कई बार 2-3 महीने के बच्चों का भी. इनफैक्ट हमारे सेंटर में, आवर सेंटर इज वन ऑफ द फ्यू सेंटर्स इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड विच स्पेशलाइजेस इन पीडियाट्रिक कैटरेक्ट सर्जरी. मतलब छोटे बच्चों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन में हम लोग स्पेशलाइज करते हैं, आज से नहीं पिछले 20 साल से. और हमारे यहाँ रेगुलरली पूरे स्टेट से बच्चे रेफर होके आते हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनका, क्योंकि उनकी सर्जरी का टेक्निक बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफिकल्ट भी है, चैलेंजिंग भी है, बेहोशी में करना पड़ता है, आंख बहुत छोटी सी होती है, लेंस फिक्स करने की टेक्निक्स भी बहुत डिफरेंट हैं, और उसमें सावधानियां भी बहुत चाहिए और एक्सपर्टीज भी बहुत चाहिए. तो आई एम स्पेशलाइजिंग इन पीडियाट्रिक कैटरेक्ट सर्जरी. हमारे यहाँ और भी पीडियाट्रिक ऑप्थल्मोलॉजिस्ट भी हैं, तो हमारे यहाँ 2-3 डॉक्टर्स इस चीज में स्पेशलाइज करते हैं. और यस, कैटरेक्ट छोटे बच्चों में इसलिए हो जाता है कि उनको या तो मैल न्यूट्रिशन की वजह से ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ, या कुछ मदर को कुछ ऐसी वीकनेस रहे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और कई बार नेचुरली भी हो जाता है, कई बार कोई कॉज नहीं होता. कुछ जेनेटिक बीमारियां भी ऐसी होती हैं, क्रोमोसोमल एबरेशंस होती हैं, जिनमें कैटरेक्ट बच्चों में, न्यूबॉर्न बेबीज में या छोटे बच्चों में होता है. कुछ बच्चों में यंग एज में आ जाता है, और बहुत कॉमन हम देखते हैं कि बच्चे ना कंपस के साथ, पेंसिल के साथ, तीर कमान और नाइफ्स के साथ. और हम कई बार हैरान होते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे खेल रहे हैं शार्प ऑब्जेक्ट से, पेचकस से, पेंसिल से, और खींच रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, और पेरेंट्स को कोई उनकी चिंता भी नहीं है कि दैट हमारे बच्चे लड़ रहे हैं. और वो जब लगती है आँख में, जब कोई लड़ रहा है आपस में या आपस में खेल रहा है, और कोई नुकीली चीज आँख में लग गई, फोर्क हो गई, पेंसिल हो गई, पेन हो गया, और छोटे बच्चों को तो समझ नहीं है, उनके हाथ में ये सब चीजें देनी ही नहीं चाहिए. और जैसे दशहरे के सीजन में हमारे पास आंख में इंजरीज आती हैं, दिवाली के सीजन में बहुत इंजरीज आती हैं, पटाखों से आंख पूरी खराब हो जाती है, मोतियाबिंद भी बन जाता है. ऐसे ही जो हमारे धनुष बाण होते हैं, तीर कमान होते हैं, उनसे कितनी चोटें आती हैं, बच्चे आते हैं तो ये पेनिट्रेट करके आंख को खराब कर देता है, उससे मोतियाबिंद बन जाता है. तो ये सारी चीजें जो है ये ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट भी डेवलप कर सकता है, जिससे कि children can, people can get such problems, and we have to be extremely careful for, and diabetics I think have to take very very special care for two reasons. Ek to sugar agar aapki acche se controlled nahi rehti hai, so sugar agar hamari theek nahi rehti hai to usse ek to motiyabind jaldi banta hai, to uski wajah se motiyabind se unko jaldi operation karana pad jata hai. शुगर के पेशेंट्स को रेगुलर चेकिंग करानी चाहिए अपने आंख के पर्दे की भी, और साथ में अपना मोतियाबिंद के लिए भी, चश्मे के नंबर भी उनके जल्दी चेंज हो जाते हैं, और इसलिए डायबिटिक्स. दूसरा चीज है कि काफी पेशेंट्स जो ऑपरेशन कराने हमारे पास आते हैं उनको शुगर होती है, और सारे मोतियाबिंद के ऑपरेशन के पेशेंट्स का पहले ये सारे टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोई हार्ट की डिजीज, हम एक ECG कराते हैं आमतौर पर, और अगर ये सब चीजें ठीक होती हैं हम तभी ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि उस हम चाहते हैं कि रिजल्ट परफेक्ट आए और पेशेंट भी सेफ रहे मोतियाबिंद के ऑपरेशन के साथ साथ. सो
इसलिए हम लोग शुगर अगर कंट्रोल नहीं होती है तो हम पहले वेट करते हैं कि ऑपरेशन हम तभी करें। कई पेशेंट जल्दबाजी करते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो इससे कंट्रोल ज्यादा होएगी नहीं, आप कर दीजिए। अब देखिए हाई शुगर में अगर हमने ऑपरेट कर दिया उसके दो तीन नुकसान है। एक तो हीलिंग पुअर होती है, तो उसमें जब ऑपरेशन होगा उससे हीलिंग पुअर हो जाएगी, मतलब जल्दी ठीक नहीं होंगे, उनका और एक्स्ट्रा समय लग जाएगा, कई बार एक एक महीने तक उनको दिक्कत रह सकती है अगर हाई शुगर में हमने ऑपरेट किया। दूसरा, हाई शुगर में ऑपरेट करने से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हाई शुगर लेवल में ऑपरेट करना बिल्कुल सेफ नहीं है। और ऐसे कोई पेशेंट नहीं है जिसकी शुगर को तरीके से कंट्रोल ना किया जा सके। अगर हम प्रॉपर डाइट का ध्यान दें अपने ऊपर और हम प्रॉपर एक्सरसाइजेस करें, वॉक पे जाएं, प्राणायाम करें और हम प्रॉपर मेडिसिन लें। कई लोग क्या करते हैं, डॉक्टर से दवाई तो लिखवा लेते हैं लेकिन वो रेगुलरली लेते नहीं, वो अपना दिमाग चला के कोशिश करते हैं कि आज मैंने कम खाया तो मैं दवाई कम खा लेता हूँ, आज मैंने ज्यादा खाया तो मैं दवाई थोड़ी आज बढ़ा लेता हूँ, तो वो करेक्ट नहीं है। अपने शुगर के डॉक्टर को कम से कम 15-20 दिन महीने में एक बार दिखाना चाहिए, और जब ऑपरेशन हो तब तो उसको टाइटली कंट्रोल हम लोग करना चाहते हैं कि शुगर फास्टिंग वाली जो है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फास्टिंग शुगर 100-120 से ऊपर ना जाए, और पोस्ट प्रांडियल जिसको कि खाने नाश्ते के 2 घंटे बाद नापा जाता है उसकी शुगर करीबन 150-160 से ऊपर ना जाए, अदरवाइज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बहुत हाई रहता है। और हम एडवाइज नहीं करते कि ऐसे केसेस में ऑपरेट किया जाए जब तक कि शुगर कंट्रोल ना हो जाए। ऐसे ही ब्लड प्रेशर भी वेल कंट्रोल्ड होना जरूरी है। अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो उसको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से भी एक क्लियरेंस लेनी चाहिए, स्पेशली अगर वो ब्लड थिनर्स ले रहे हैं तो ब्लड थिनर्स को कई बार बंद करना पड़ता है ऑपरेशन से पहले। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो लोग मोतियाबिंद के ऑपरेशन का प्लान कर रहे हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं है, ऑपरेशन तो कुल मिला के जैसे मैंने बताया आमतौर पर 4-5 मिनट में ही कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर हम उसकी प्रॉपर डिलीजेंस करें, प्रॉपर तैयारी करें और पहले से फुल प्रिकॉशंस लें तो नई टेक्नोलॉजी से आजकल पेशेंट के लिए बहुत इजी हो गया ऑपरेशन कराना। एंड वी आर लकी इन देहरादून दैट एट दृष्टि वी हैव सम ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज। इनफैक्ट हमारे यहाँ बहुत लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं मोतियाबिंद के एडवांस टेक्निक सीखने के लिए। हम लोग यहाँ से इंटरनेशनल वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं। इनफैक्ट यू नो आई एम हैप्पी टू शेयर दैट अबाउट 5 years बैक एट दृष्टि हम लोग वी वर द फर्स्ट वंस टू ऑर्गेनाइज अ फुल डे लाइव सर्जरी वेबिनार, जिसमें पूरे कंट्री से, कोने कोने से, साउथ से भी, बॉम्बे से हमारे यहाँ डॉक्टर्स ने आके ऑपरेट करके डेमोन्स्ट्रेट किए कैटरेक्ट के ऑपरेशन और न्यू लेजर मशीन एंड एवरीथिंग, जो उस टाइम पे गिनती के 8-10 सेंटर्स में ही अवेलेबल थी, और उसका वेबकास्ट हुआ जिसको कि हजारों लोगों ने वर्ल्ड वाइड देखा। और अभी भी हम लोग रेगुलरली टीचिंग एंड ट्रेनिंग वर्कशॉप्स यहाँ से लाइव सर्जरी की ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑलमोस्ट एवरी मंथ हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें बहुत लोग हमारे यहाँ से वर्चुअल उसमें ये सारी रिकॉर्डिंग्स देखते हैं। बल्कि इस लॉकडाउन के दौरान तो हमने ऑलमोस्ट एवरी डे अपने यहाँ से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और टीचिंग प्रोग्राम्स टेलीकास्ट किए हैं, एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर लर्निंग एंड वॉचिंग फ्रॉम आर न्यू टेक्निक्स ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी। सो आई थिंक यू नो टाइम्स हैव चेंज्ड अ लॉट, बहुत पेशेंट्स के लिए बहुत फायदा हो गया है न्यू टेक्नोलॉजी का, नए एडवांसमेंट्स का। मॉड्यूलर ओटीज वगैरह जो अब हमारे ओटीज बन गए हैं, दे आर फुल्ली यू नो विद एयर रिप्लेसमेंट्स एंड मॉड्यूलर ओटीज होते हैं, मशीन्स आर वेरी एडवांस्ड, माइक्रोस्कोप्स आर वेरी एडवांस्ड जिसमें कि हम लोग ऑपरेशन देख के करते हैं, बल्कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी माइक्रोस्कोप की आ गई है जिसमें कि माइक्रोस्कोप के अंदर से देखना ही नहीं पड़ता है, सर्जन सामने एक बड़ी स्क्रीन पे देख के ऑपरेट कर सकता है वर्चुअल स्क्रीन पे। सो आई थिंक आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल टू यू, एंड आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर अंशिका एज वेल हु you know help me in this session, and I would like to invite you to keep watching out on our Facebook page. Please like the page if you liked our video, and keep coming back to see more educative you know programs from our doctors. We have a very good team of doctors. We have 3 or 4 retina surgeons who are highly trained from USA and other places. We have pediatric ophthalmologists jo sirf bachchon ki aankh ki bimariyon ko deal karte hain. We have a separate glaucoma department. We have 2 or 3 cataract surgeons who are highly trained. And we have a very advanced refractive surgery center जहाँ पे कि LASIK और smile विधि से हम लोग चश्मा हटाते हैं। तो हमारे यहाँ almost 10 doctors की team है और सब लोग अपनी अपनी field में trained हैं और experts हैं, और हम लोग almost अब देहरादून से हमें किसी patient को बाहर refer नहीं करना पड़ता क्योंकि almost सब कुछ अब हम लोग यहाँ पे easily आपके लिए offer कर सकते हैं। So thank you so much, and this is Dr. Gaurav, and I hope you found this program useful, and I would like to stop here. Thank you so much till we meet you again for one of our teaching sessions from one of our doctors. Namaskar.